हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग मीट करने वाले हैं बुद्ध जी से, जो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और आप थोड़ा सा बताइए कंपनी के बारे में, उसके बारे में अपने बारे में बताइए जी। जी आप कैसे हैं? आप पहले तो ये बताइए। हाँ, बहुत मैं बहुत अच्छा सा हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो पे मैं आया हूँ और हमारे ऑडियंस भी आपको देख रहे हैं, जो कि लाइव देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत ये हम लोग आभारी हैं आपका कि आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। और काफ़ी अच्छे से आप बताओगे कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई किए और क्या मंथली सैलरी है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी डेट, प्रेफरेंस, टोटल चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम कवर कीजिएगा सर जी। बिल्कुल। तो INIZER में मैंने जॉब करा था 2018 से 2020 तक, दो साल। तो ये नोएडा की वन ऑफ द बिगेस्ट BPO कंपनीज में से, आप जब उसको सर्च करेंगे देखेंगे कि उसमें करीबन 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं जी। बिल्कुल। और उसमें वहां पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए वो है मिनिमम 12th पास। जी जी जी। ट्राई कर सकते हैं जी, ऐसा इंग्लिश कम्युनिकेशन हो तो अच्छा है, नहीं भी है, बेसिक कम्युनिकेशन भी है तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर हिंदी में भी तो भी उनके पास बहुत सारे प्रोसेस है जी, तो जी। वो उसके उसमें उनको जी जी। इसके साथ साथ वहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि वो 5 वर्किंग डेज होता है ज्यादातर प्रोसेस में। जी जी बिल्कुल, वर्किंग डेज 5 डेज रहेगा। जी जी जी। और उसके साथ साथ जो नाइट शिफ्ट होते हैं जिसमें कि US प्रोसेस वगैरह है, उसमें क्या है कि वो फूड मिलता है और जो कैब है, फूड मतलब वन टाइम का फूड कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर तीनों टाइम का कंपनी? वन टाइम कैसे देंगे, आधी घंटे सही सही जी 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 जी। अच्छा। और वर्क कल्चर कैसा है और एलिजिबिलिटी, जैसे आपने बताया कि 12 पास से अप्लाई की, इंग्लिश कितना है मैंडेटरी रखता है या फिर हिंदी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ऐसा मतलब बिल्कुल डरना नहीं है, इंग्लिश ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है नहीं वहाँ पे। जी जी। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आता है, आप ये डिफाइन कर पा रहे हैं जब आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाए, आप इंग्लिश में उनको बता पा रहे हैं, आप और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आंसर कर पा रहे हैं। जी जी जी। और मदर टंग इन्फ्लुएंस कई बार क्या होता है कि हमारा जो हम जैसे मैं बिहारी हूँ या कोई बंगाली है तो उनका जी जी टर्म आ जाता है वहाँ, टंग आ जाता है इंग्लिश में, MTI इसको प्रमोट कर सकते हैं। जी 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 जी। तो उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं अगर अवॉइड कर सके, एक दो वीडियोस देख करके सीख सके, और शॉर्ट जैसे कि हम सीधा बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा है। अगर नहीं भी कर पा रहे और बिल्कुल भी मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, अचानक से मैं कैसे सीखूं, मुझे तो अभी नीड है जॉब की, तो वहां पर आप सीख मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको हिंदी वाले, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोसेस है उनके पास, तो वो आपको हिंदी वाले प्रोसेस में रिक्रूट कर लेंगे, वहां से आप जॉब करते हुए अपने स्किल्स को ब्रश अप कर लेंगे, उसके बाद में और आप बेहतर जा सकते हैं। जी जी जी। अब मैं बात करूंगा एज अ फ्रेशर सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है और एज एक्सपीरियंस कंपनी सैलरी क्या प्रोवाइड करती है। तो वहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 25 से 50 के बीच में है फॉर फ्रेशर की, आप 25,000 फ्रेशर की 25,000 रुपए होती है। जी जी। और फ्रेशर इंटरनेशनल में 40,000 रुपए होती है। 40,000 अच्छा। 40,000 जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 डेज वर्किंग, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स रहता है, वीक ऑफ डेज 1 दिन मिलती है। और जैसे बताइए बुद्ध जी, जैसे हाँ मान लीजिए कि जैसे आपका सिलेक्शन हो गया या फिर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, अगर वो किसी बंदे को रेफरेंस करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ रेफरेंस अमाउंट भी कंपनी पे करती है, ऐसा कुछ वगैरह? रेफरेंस अमाउंट वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और वो वहाँ जनरली एम्प्लॉय रेफरल कम ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि उनके पास काफी बच्चों ऑलरेडी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो और एक है मेरा कि अगर किसी को रिक्रूट होना है तो ज्यादातर कोशिश करिए कि 1 से 10 तारीख के बीच आप अप्लाई करें, क्योंकि 1 से 10 तारीख क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो कई लोग क्विट करते हैं और वहाँ पर उस समय रिक्रूटमेंट होता है ज्यादा। अच्छा। 1 से 10 के बीच में। अच्छा। तो 12,000 लोग है, 1-2% लोग भी कहीं अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से जॉब छोड़ रहे तो सैलरी लेकर के छोड़ रहे होते हैं आमतौर पर, तो ऐसे डेज में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका ज्यादा चांसेस होगा रिक्रूट हो जाने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप जैसे 2 साल काम किया आपने जैसे बताया ना अपने बारे में जी, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कि आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? अगर आप 9,000 लोग आपको देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वो एज अ कैरियर लेना चाहेगा INIZER में तो? हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा कि मतलब कई बार हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या करो, ऐसा
बहुतों के साथ है, जी आपके साथ नहीं। आप ऐसा मत कि मेरे मेरे मैं ही कंफ्यूज हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज है कि करना क्या है। जी तो जी ऐसा, और ये जब भी आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है तो आप स्टार्ट करिए जी जी और ट्रस्ट करिए अपने आप पर, ट्रस्ट करिए, छोटे से शुरुआत करेंगे लेकिन इनिशियली, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप पे धैर्य रख करके सीखते जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत आगे, तो डरना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, अप्लाई करना है, कोशिश करना है और हो जाएगा। बस अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई सा घबराने वाली बात नहीं रहेगी। जी 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 बिल्कुल। और मैं जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम की अगर मैं बात कर लूँ, तो वर्क फ्रॉम होम कंपनी प्रोवाइड कर रही है अभी क्या सिचुएशन में, या फिर पहले जब आप जॉब करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? उस कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम एक जब पहला पेंडेमिक आया था हाँ, केवल कोविड उसी हाँ। समय दे था, तो वो उस समय उनको उस देना समय पड़ा तो था, अभी वर्क बाकी उन लोगों फ्रॉम ने होम नहीं करा, जी जी ऑफिस में ही है अभी, ऑफिस ही करना पड़ेगा तो जो बिल्कुल। वर्क फ्रॉम ऑफिस वो वहां पर अप्लाई कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल वर्क बिल्कुल फ्रॉम होम के लिए दूसरी हम लोग बात करेंगे बाद जी। में। और जैसे मैं बात कर लूँ, तो जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ पर्सनली, तो आपने लास्ट ओटी वगैरह रिसीव करके, मतलब लास्ट कितना तक आपने अर्न किया था 1 मंथ में, अगर मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहूँ तो? जी एक महीने मैं वहां पे मेक माई ट्रिप प्रोसेस में काम करता था जी 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 और मेरी सैलरी करीबन 27,000 रुपये आती थी। 27 से 27। अच्छा, एज अ फ्रेशर। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और वहां पे ऐसे बहुत डिफिकल्ट टारगेट्स नहीं होता है, अच्छा मतलब अच्छा सैलरी का ऐसा है कि आप जैसे कि जो ड्यूटीज है आपके, जो डेज है आने के, आप उन डेज में चले गए, अनप्लान लीव, जैसे कि बिना बताए आप हाँ छुट्टी नहीं ले गए, अच्छा अच्छा तो केवल उतना भी कर लेंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये अलग से अटेंडेंस इंसेंटिव के रूप में मिल जाता है। अच्छा मतलब तो बहुत बेसिक इंसेंटिव टारगेट। इंसेंटिव भी मिल जाता है प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मोस्टली आपने ये किया था। जी। तो जैसे मान लीजिए कुछ कुछ कैंडिडेट का मर्ज, जैसे मान लीजिए इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो हिंदी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है? और ये वो बिल्कुल कर इंग्लिश वाले सकते हैं, कैंडिडेट रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिनकी फ्लुएंट इंग्लिश वो 40 या 50 तक अर्न कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा याद कर लें, जी इंग्लिश में देना सीख लें, इतना करेंगे तो अच्छा अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और अगर ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में मैं फंस गया इंटरव्यू देते समय, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वहां पर हिंदी में बोलना है, क्योंकि अच्छा। रुके रह जाएंगे और तो आपको अपने आप में गिल्ट लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं तो फंस गया, तो ऐसा हो जाता है। इसके साथ हाँ। आगे बढ़ना है, उस जी चीज को जी जी लेकर के रुके नहीं रहना है, रुके नहीं बिल्कुल रहना है, हिंदी में सही बोल करके, बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप, मैं अगर मैं पूछना, जैसे मान लीजिए जो ऑडियंस है जो इंटरेस्टेड रहेंगे, वो अगर अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई करेगा? मैं मतलब इस वीडियो का निष्कर्ष निकालता हूँ कि वीडियो उन्होंने देखा अपना, 8 मिनट या 10 मिनट का टाइम दिया, और वो चाहते हैं कि सर मैं गुड़गांव या फिर जहाँ भी ऑफिस है कंपनी के अप्लाई करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, सो दैट मोमेंट में वो क्या करें? उसके लिए हम लोग उनसे, मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, उनके साथ मेरी एक एजेंसी काम करती है, जी तो हम जी वहाँ व्हाट्सएप लिंक दे रहे होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अच्छा उसके अच्छा थ्रू वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, अगर मैं वीडियो को अब 2 या 1 मिनट के अंदर एंड करने वाला हूँ, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो जॉब और मैं सर्च बस कर, जी, ये बिल्कुल आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, अगर नहीं भी हो पाया है, कई लोगों की कई सिचुएशंस होती है बहुत सारे सबको, सही तो सही, हमारे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प भी करना चाहिए दूसरे को, क्योंकि जी जी हमें पता नहीं किसके साथ क्या हुआ है, बेचारे आगे नहीं जा पा रहे, पीछे छूट गए, जी जी तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आप हमारे, हम लोग आपके हेल्प के लिए ही है, आप बिल्कुल कोशिश करिए और और सब हो जाएगा, जी 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 आप करियर आपका आगे बढ़ सकते। हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग कीजिए, बाकी तो हम लोग सपोर्ट में, 100% सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है कि आपका कैरियर ग्रोथ में हम लोग साथ देने वाले हैं जहाँ तक संभव हो सके, पॉसिबिलिटी हो चुके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया बुद्धिदेव जी, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार वो INNZ में अप्लाई कर सकता है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, एज अ फ्रेशर भी आपने अच्छे तरीके से बताया, एज एक्सपीरियंस को भी अच्छे तरीके से बताया, और आपने वर्क प्रेशर भी बताया, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डे, सारा टोटल चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपने कवर किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, फॉर हैव नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू सो मच, नाइस टू आबिद, एंड आप जो कर रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं जी सभी के जी लिए, जी जी और बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए, और यही मेरी शुभकामनाएं आपको। जी जी थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।